हमें बुलंदशहर के खुरजा, ये कबाड़ी बाजार है, मेन बाजार है, आप देख रहे हैं इसकी कितनी बुरी हालत है। हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात आपको दिखाई दे रहा है, भारत समाचार ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और कहीं ना कहीं पूरी तरह पानी में लबालब है। करीब 4 फुट इस बाजार के अंदर पानी और पूरे पानी में दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी है, क्योंकि दुकान में अंदर पानी घुस चुका है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मार्केट खुली हुई थी, उसी समय पानी आया। अगर रात होती तो दुकानदारों के जो सामान है वो भी पूरी तरह खराब हो जाते। मेरे साथ एक बाबूजी हैं, निकलने, क्या नाम बाबूजी आपका? अमर सिंह नाम। अमर सिंह जी, कितना पानी है यहाँ? 4 फुट है। अच्छा, हाँ। ये मेन बाजार, बीच बाजार में, कबाड़ी बाजार के अंदर। अच्छा, हाँ। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? वो क्या कर रहे हैं, इनके गवर्नमेंट की कमी है। अच्छा, जो रास्ता ऊंचे नहीं करे, दुकानों में भी पानी जा रहा है, नालियों में सफाई नहीं है। अच्छा, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, पिन्नी भरी पड़ी है। ये थे ये अमर सिंह जी, इनका कहना है कहीं ना कहीं जो सफाई नहीं है उसी को देखकर आप देख सकते हैं, पूरी तरह दुकानदारों अपने वाइपर से पानी निकाल रहे हैं, वाइपर चला रहे हैं, दुकानों के अंदर जो पानी भर गया है, सामान खराब हो रहा है, उसी को लेकर के वाइपर से आप देख रहे हैं पूरी तरह पानी निकाल रहे हैं और पूरी दुकानों में पानी भर गया है। कहीं ना कहीं आज जो एक घंटे की तेज़ बारिश आई है, उसी को लेकर के आज नगर पालिका की पूरी तरह पोल खुल गई है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 फुट पानी पहुँच चुका है। दुकानदार हैं, बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पारस है। पारस जी, किस तरह की व्यवस्था है? सर, ये 1 घंटे की बारिश है और आप 1 घंटे की बारिश के अंदर देख सकते हो, हम जिस पानी में हैं उसमें मतलब अंदर तक की इतनी गंदगी है कि इतना ही पानी हम लोगों की दुकान के अंदर है। कितनी गंदगी, हमारा मटेरियल सारा खराब हो जाता है, भीग जाता है, हमें डर लगा रहता है कि बारिश ना आए चाहे कुछ भी हो जाए। इस बाजार की स्थिति ये है और हमने बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन आता है, एक दिन देखता है और चला जाता है। एक बार मेरा नाम मोनू गुलाटी। मोनू जी, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन ये, एक बार मेरी दुकान की वीडियो बनाए, मेरी दुकान के अंदर 2 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ, आप एक बार देखिए। पहले शिकायत नहीं करी आपने नगर पालिका? हर बार करते हैं, तो हर बार करते हैं लेकिन कोई कार्य होता नहीं है। नाले की सफाई नहीं हुई है? नाले की सफाई होती है, नाला है बहुत छोटा कोने पे। अच्छा, इस वजह से जो है पानी की निकासी पूरी नहीं है यहाँ पर। तो ये थे यहाँ के दुकानदार, अपना दुख रो रहे हैं कि कहीं ना कहीं पानी भरते की वजह से पूरी तरह यहाँ माहौल गंदा हो गया है। किसी की दुकान में 1 फुट पानी है, किसी की दुकान में 2 फुट तक पानी पहुँच गया और पूरा बुरी तरह माहौल है और यहाँ दुकान पूरी तरह बंद हो चुकी है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर।